आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। बेमेतरा जिले में आज सुबह बारूद फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया। ब्लास्ट के बाद इलाके के कई गांवों में अफरा तफरी मच गई और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 6 घायलों के इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। हादसे में एक के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। उधर मामले की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव काम शुरू कर दिया गया। एसपी कलेक्टर समेत जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और इनकी निगरानी में राहत और बचाव का काम चल रहा है। हादसा बेड़ला ब्लॉक के बोरसी गाँव के पास हुआ है। बेमेतरा ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट है, जहां दुर्ग और रायपुर से एसडीआरएफ की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू। 65 जवान मौके पर पहुंचे, 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। टीम को ब्लास्ट की है आशंका, ग्राउंड जीरो को खाली कराया गया है। तो 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, 65 जवान मौके पर पहुंचे हैं, लोगों का रेस्क्यू किए जाने की तैयारियां चल रही हैं, दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं, एम्बुलेंस मौके पर है और आप ये देखें कि न्यूज 18 टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। बेमेतरा हादसे पर सीएम साय ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट किया। सीएम साय ने लिखा, बेमेतरा जिले के बोरसी गांव के बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की दुखद खबर आई है। घटना की जानकारी मिलते ही उच्च अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसकी सतत निगरानी की जा रही है। बेमेतरा हादसे में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान, जहां पुलिस अधीक्षक से बात कर घटना की जानकारी ली। प्रशासन और पुलिस घटनास्थल पर ही हैं, बचाव कार्य होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। तो बेमेतरा हादसों में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का ये बयान है कि पुलिस अधीक्षक से बात कर घटना की जानकारी ली गई, प्रशासन और पुलिस घटनास्थल पर ही मौजूद है, बचाव कार्य होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और कोई विस्फोटक पदार्थ निर्माण करने वाली कंपनी है जिसमें विस्फोट हुआ है, बिरला थाना के अंतर्गत बिरदा और एक गांव है, तो अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है और जांच चल रही है। एसपी वहां पर मौके पर खड़े हैं और बात भी हुई है उनसे। अब एक बार थोड़ा विषय और स्पष्ट हो जाए, ईश्वर दया करें, जितना कम से कम हो वही ठीक है। तो बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है और आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम को इस पूरे हादसे की जानकारी ले रहे हैं। बेमेतरा हादसे के बचाव कार्य में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। बेमेतरा हादसे पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि बोरसी में अत्यंत हृदय विदारक घटना हुई है, लगातार प्रशासन के संपर्क में हूँ, राहत और बचाव कार्य का कार्य शुरू हो गया है। मलबे में भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। पदार्थ निर्माण करने वाली कंपनी है जिसमें विस्फोट हुआ है। बोरसी में एक अत्यंत हृदय विदारक घटना की सूचना मिली है। मैं प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं, एसपी से बातचीत हुई है। प्रशासन की राहत और बचाव टीम पूरी तरह से घटना स्थल पहुंच गई है और जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो रहा है। राहत और बचाव का काम प्रारंभ हो गया है, प्रशासन की पूरी टीम वहां पहुंच गई है। आसपास के जिलों से फायर ब्रिगेड की टीम, अन्य प्रशासनिक अमले भी वहां पर बुलाए गए हैं। बोरसी में एक तो बेमेतरा ब्लास्ट की होगी न्यायिक जांच। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा, मृतक के परिजनों को मिलेंगे 5 लाख, घायलों को 50-50 की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। तो बेमेतरा ब्लास्ट की न्यायिक जांच की बात कही जा रही है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि इस पूरे घटना की न्यायिक जांच होगी और जो मृतक हैं उनके लिए भी उनकी एक चूकी मजदूर की जान चली गई है और बाकी 5 लोगों का इलाज किया जा रहा है। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की भी बात कही गई है।
तो बेमेतरा ब्लास्ट की न्यायिक जांच की बात डिप्टी सीएम ने कहा और सिद्धू करेंगे रायपुर से ममता लांजेवार और बेमेतरा से युगल लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो युगल के पास चढ़ते हैं। युगल, इस वक्त क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है, कितने लोग और मलबे में दबे हुए हैं? जी देखिए, दो प्लांट है, दो प्लांट में 18-18 लोगों की शिफ्ट लगती थी और जिस तरह से 7 लोग को वहां पर अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया था जिसमें एक की मौत हो चुकी है, तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है 11 लोग अभी लापता हैं। कई ऐसे परिवार के लोग हैं जो अपने परिजनों की तलाश है, अपने इष्ट मित्र की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी का पता नहीं चल रहा है। जहां पर ब्लास्ट हुआ है वहां पर छत विसत शव है वो पड़ा हुआ है, तितर बितर पड़ा हुआ है, बिल्कुल बड़ा विभत्स स्थिति है और यहाँ पर डरावनी मंजर है, डरावनी स्थिति है। डिप्टी सीएम यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा है कि पूरी घटनाक्रम की न्यायिक जांच होगी, जो कंपनी है लीगल तरीके से था या इनलीगल तरीके से, क्योंकि एक सप्ताह पहले इस कंपनी को बंद कर दिया गया था, तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इनलीगल तरीके से यहाँ पर काम है वो चल रहा है। और साथ ही न्यायिक जांच की घोषणा की, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है एक व्यक्ति है, एक कामगार है, उसकी मौत की पुष्टि है, उसके परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही साथ जो घायल है उन्हें 50,000 रुपए की सहायता राशि और चिकित्सा सुविधा मुफ्त दिया जाएगा। अभी पूरे मामले की जांच है वो चल रही है। डिप्टी सीएम यहाँ पर मौका का निरीक्षण करके यहाँ पर रवाना हुए, कलेक्टर एसपी और एसडीआरएफ की जो टीम है दुर्ग और रायपुर की वो यहाँ पर मौजूद है। 65 सदस्यीय टीम यहाँ पर रेस्क्यू का काम यहाँ पर चला रही है और जहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ है, गड्ढा बना है, उसके मलबे को हटाया जा रहा है और उसके बाद ही पता चल सकेगा। चूंकि देखिए रीनू, सबसे बड़ी बात यही है कि लगभग 100 किलो 200 किलो के जो मशीन है वो 200 फीट जाके बाहर गिरे हैं, 200 फीट तक गिरे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए 70 किलो और 50-60 किलो के जो इंसान है वहां पर काम कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति रही होगी, मलबे में दबे हैं या नहीं दबे हैं ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन कंपनी प्रबंधन यहां जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है, सभी जो जहां पर थे सब छोड़ करके यहां पर भाग चुके हैं और जहां पर बारूद रखा हुआ था, विस्फोटक रखा हुआ था 1000 किलो, वहां पर अचानक से ब्लास्ट हुआ है, एक बड़ी लापरवाही है। देखना होगा कि अब पूरे जांच के बाद, न्यायिक जांच के बाद किस तरह की कार्रवाई है हो पाती है। क्या जानकारी मिल पाई युगल कि कौन मालिक था, कौन इस अवैध तरीके से फैक्ट्री का संचालन कर रहा था? जी बिल्कुल, देखिए अभी पूरी तरह से ये जानकारी नहीं दी जा रही है। जिला प्रशासन है, उसकी पहली प्राथमिकता यहाँ पर मौके पर है, रेस्क्यू चलाना है, एसडीआरएफ की टीम है वहाँ पर, संभागीय सेनानी से सहित 65 सदस्यीय टीम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसी तरह की जानकारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है और यही वजह है कि कंपनी के जो संचालक है उसका पता नहीं चल रहा है। गाँव वाले बता रहे हैं कंपनी का मालिक है खुद इस ब्लास्ट के बाद फरार हो चुका है और यहाँ पर जितने कर्मचारी थे वो भी यहाँ से फरार हो चुके हैं, यहाँ तक के कंपनी के जो पीआरओ हैं वो भी इस बड़ी घटना के बाद मौके पर नहीं है, छोटे कर्मचारी हैं जो जिनके हाथ पे कुछ पावर नहीं है, कुछ मदद नहीं कर सकते, वो यहाँ पर जरूर मौजूद हैं लेकिन उनकी कुछ चल नहीं रही है। ग्रामीण है, कंपनी के बाहर हंगामा मचाया जा रहा है, पूरी फोर्स यहाँ से जो लोग यहाँ पर थे उन्हें हटाया गया है क्योंकि केमिकल है यहाँ पर बड़ी मात्रा में रखा हुआ है, बारूद का भंडारण है, ऐसे में कभी भी दोबारा ब्लास्ट हो सकता है, लोग आक्रोशित हैं तो आगजनी की घटना घटित ना हो इसलिए उन्हें यहाँ से बाहर किया गया है और कंपनी के जो गेट है वहां पर हंगामा भी जारी है। जी रेणु जी बिल्कुल, ममता आपके पास आते हैं, जो घायल है उनकी क्या स्थिति बनी हुई है और हम देख पा रहे हैं कि राहत की भी बात कही जा रही है, प्रशासन की तरफ से कुछ मदद का भी जिक्र किया गया है?
बिल्कुल देखिए, सात लोगों को मेकाहारा लाया गया था जिसमें से एक की मौत हो गई और बाकी छह जो है वो उनका इलाज चल रहा है। राहत की बात ये है कि जो छह है वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरह से हमने घायलों से बात की और हमने दिखाया जो उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर, दो यूनिट थी और जो सामने वाली यूनिट में जो लोग थे उनमें से एक मजदूर ने किस तरह से बताया कि उन्होंने सेकेंड्स में सामने वाली जो बिल्डिंग है उसके परखच्चे उड़ते हुए देखा। और इसके साथ ही उनका कहना था कि छह बजे की ड्यूटी में आए थे और करीबन आठ लोग उनके साथ ड्यूटी में थे जो सामने वाली यूनिट में गए हुए थे जिसके परखच्चे उड़े थे। तो उनका कहना था कि वो जो यूनिट है वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई थी, यानी कि करीबन आठ जो मजदूर उनके साथ आए थे उनका कहना है कि हमें नहीं लगता कि वो बचे होंगे, वो दफन हो गए होंगे। अगर ये खुशकिस्मती कहा जाएगा कि अगर ब्लास्ट से पहले वो किसी कारण से बाहर निकले होंगे, तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो मृतकों की संख्या बढ़ सकती है और जिस तरह से एक मृतक को लेकर तो कन्फर्म हो चुका है, बाकी चार को लेकर भी जिस तरह से जांच के बाद बात कहने की बात कही जा रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें तो जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि आठ कम से कम लोग वहां पर मौजूद थे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो तहसीलदार जो है वो यहां पर मेकाहारा पहुंचे हुए थे। हालांकि ओवरऑल तरीके से अगर हम बात करें तो कितना मुआवजा दिया जाएगा, क्या होगा, कंपनी का जो मालिक है अगर हम बात करें तो न कंपनी से कोई व्यक्ति मेकाहारा पहुंचा था, जो राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है वहां पर इलाज कराया जा रहा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी के तौर पर नहीं वहां पर पहुंचा था। दूसरी तरफ हमने बताया कि किस तरह से सेफ्टी नॉर्म्स जो है उसकी धज्जियां उड़ाकर रखी जा रही थी कंपनी से। इसके पहले भी मजदूरों ने कहा कि छोटे मोटे ब्लास्ट हुए थे लेकिन उस ब्लास्ट को नजरअंदाज किया गया। ये तमाम जो मजदूर है जो वहां पर काम करते थे वो बारूद के ढेर पर ही बैठे हुए थे। आज घटना नहीं होती तो कल होती, लेकिन कभी ना कभी घटना जो है इसकी आशंका लगातार बनी हुई थी। और मजदूरों से को हमने दिखाया कि किस तरह के यूनिफॉर्म, वो सामान्य कपड़ों पे ही वहां पर काम करते थे, वो बारूद के की फैक्ट्री में काम करते थे, ना उन्हें कोई हेलमेट दिया जाता था, ना कोई अलग तरीके से जो ड्रेसेस होते हैं यूनिफॉर्म, कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। और जाहिर सी बात है कि ये बड़ा हादसा हुआ, इसकी जांच होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुआ। सुकमा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई है। नक्सलियों और डीआरजी जवानों में मुठभेड़ हुई है। कोटा के किद्रेल पहाड़ इलाके में फायरिंग जारी है। कई नक्सलियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। एसपी किरण चव्हाण ने मुठभेड़ की पुष्टि की और आपने देखा कि पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है जिनमें सात नक्सलियों को मार गिराया गया था और उनके शव लाए जा रहे थे। और आज एक बार फिर से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। सुकमा से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो चुका है और सुकमा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो रही है। नक्सली और डीआरजी के जवान लगातार मुठभेड़ हो रही है। कोंटा के किद्रेल पहाड़ इलाके में फायरिंग जारी है। कोरबा से खबर है जहां पर मेले में तीन व्यापारियों की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई है। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई, अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल भर्ती किया गया लेकिन इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया। तीसरे व्यवसायी की मेले में ही मौत हो गई थी। तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया था। एमपी और यूपी के रहने वाले हैं तीनों मृतक। महाराणा प्रताप चौक के पास मेला लगा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से जहां पर मेले में तीन व्यापारियों की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत पर कराया गया था अस्पताल में भर्ती, इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीसरे व्यवसायी की मेले में ही मौत हो गई थी। तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया था। एमपी और यूपी के रहने वाले हैं तीनों मृतक। संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए। अब्दुल, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए तीन व्यापारी, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आपको बता दूं कि महाराणा प्रताप चौक बुधवार में मेला का संचालन हो रहा है डिज्नीलैंड, जहां ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो व्यापारी हैं कपड़ा का व्यवसाय करते हैं, जो दुकान लगाए हुए थे वो कल बीती रात मेला बंद करने के बाद भोजन किया था, जिसमें उसके बाद उनकी तबीयत जो है रात में अचानक बिगड़ी और उसके बाद अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां दो लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं एक की मौत मेला स्थल पर ही हुई है और पुलिस जो है पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है और पीएम रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा कि आखिर मौत की असली वजह फूड पॉइजनिंग थी या और कोई वजह थी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अब्दुल। तो अब फिलहाल जांच होगी और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि तीनों व्यापारियों की मौत का कारण क्या है। खबर गरियाबंद से, जहां पर महिला की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ। आदिवासी महिला की मौत के बाद प्राइवेट अस्पताल सील कर दिया गया। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। ऑपरेशन के बाद महिला की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। पीड़ित परिवार ने एसपी कलेक्टर से शिकायत की थी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गरियाबंद से, जहां पर महिला की मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया। आदिवासी महिला की मौत के बाद प्राइवेट अस्पताल सील हो चुका है। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा था।
संचालित निजी हॉस्पिटल लक्ष्मी नारायण में मौजूद है और यहाँ देखिए आदिवासी महिला की गलत लापरवाही पूर्वक ऑपरेशन करने से मौत के बाद पीड़ितों की शिकायत के बाद अब प्रशासन जो है इस हॉस्पिटल को सील करने पहुंची है। देखिए पुलिस बल यहां पर मौजूद है, तहसीलदार मौजूद है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है और इस हॉस्पिटल को अब सील किया जा रहा है। तमाम यहां जो अन्य मरीज थे उन्हें अब जिला अस्पताल शिफ्ट किया गया है। ये बड़ी कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कुल्हाड़ी घाट की गेंदूबाई आदिवासी महिला के पेट में दर्द की शिकायत थी और जब वो शिकायत को लेकर इस हॉस्पिटल में पहुंची तो बिना एक्सपर्ट के राय लिए बगैर उनका ऑपरेशन कर दिया गया और उसकी हालत बिगड़ गई और बिगड़ने की वजह से उस आदिवासी महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिजन एसपी और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाते रहे। अब देखिए कि जांच के बाद एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया जिससे हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहा था कि निजी हॉस्पिटल में इस तरह की लापरवाही कैसे की जा सकती है। आदिवासी महिला के मौत के बाद कहीं ना कहीं समाज में भी काफी ज्यादा आक्रोश था और इसी वजह से देखिए कि बहरहाल ये कार्रवाई आगे जारी रहेगा। महिला के मौत के बाद ये तमाम जो मामला है ये सामने आया है और महिला के मौत के बाद जांच हुआ, जांच के बाद टीम यहां पर पहुंची है और इस हॉस्पिटल को अब सील किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से और संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए। शेख इमरान, कहां लापरवाही हुई कि महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई? जी रेणु, देखिए पूरा मामला छूरा में संचालित लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल का है, निजी हॉस्पिटल है। दरअसल कुल्हाड़ी घाट की आदिवासी महिला गेंदूबाई, वो उसके पेट में दर्द की शिकायत थी और जब इलाज के लिए वो लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल आए तो यहाँ बिना एक्सपर्ट के राय लिए बगैर उसके पेट में ऑपरेशन कर दिया गया जिसके बाद पीड़िता की हालत जो है और बिगड़ते चले गई और परिजनों ने बताया कि जब उसे इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके गए तो उसकी हालत को देखते हुए अन्य डॉक्टरों अन्य हॉस्पिटलों ने यह कह दिया गया कि यहाँ पूरा ये जिस हॉस्पिटल में इलाज कराया है वहां फिर से करवाइए। लेकिन जिस तरह से इस हॉस्पिटल में लापरवाही बरती गई है उससे महिला की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने इसकी शिकायत जब कलेक्टर एसपी और जिला चिकित्सालय में की तब एक टीम गठित होती है और टीम गठित होने के बाद इससे जवाब मांगा जाता है। जवाब नहीं देने पर आज जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, तहसीलदार मौके पर पहुंचे और हॉस्पिटल को सील कर दिए हैं। तमाम कमरों से जो मरीज थे अन्य मरीज उन्हें वहां से दूसरे जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से यहाँ लापरवाही की गई है तो एक क्या अब इस हॉस्पिटल के मान्यता को रद्द किया जाएगा? हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, जो लापरवाह डॉक्टर है, क्या उन्हें हिरासत में लिया जाएगा? क्योंकि आदिवासी समाज इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोशित है और कहीं ना कहीं एक बड़ा लापरवाही का मामला है क्योंकि आयुष्मान कार्ड से भी राशि निकाला गया है और पीड़ितों से भी मोटी रकम वसूला गया है। तो कुल मिलाकर लापरवाही और ठगी भी करने की कोशिश। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शेख इमरान। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। कोरबा में मेले में तीन व्यापारियों की फूड पॉइजनिंग से हुई मौत, पेट दर्द और उल्टी की शिकायत पर कराया गया था अस्पताल में भर्ती, इलाज के दौरान तोड़ा दम। गरियाबंद में प्राइवेट अस्पताल में आदिवासी महिला की मौत पर हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप, हंगामे के बाद अस्पताल सील। बेमेतरा में बोरसी बारूद फैक्ट्री में बड़ा धमाका, हादसे में एक की मौत, पांच घायल, विस्फोट की वजह से हुआ खुलासा नहीं हुआ। बेमेतरा हादसे पर डिप्टी सीएम अरुण साहब का बड़ा बयान, बोरसी में अत्यंत हृदय विदारक घटना हुई, राहत बचाव कार्य शुरू, प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। बेमेतरा हादसे पर बोले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, राहत बचाव कार्य जारी, प्रशासन पुलिस घटनास्थल पर मौजूद। झीरा मतियाकांड की आज 11वीं बरसी, पीड़ित परिवारों को अब भी न्याय का इंतजार, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। सूरजपुर में 50 से ज्यादा गांवों में बिजली गुल, प्रतापपुर ब्लॉक के सब स्टेशन की बिजली सप्लाई बंद, मेंटेनेंस के चलते बिजली बंद। जांजगीर चांपा में नौतपा लगते ही बिजली में कटौती, शहर में कई हिस्सों पर बिजली कटौती। मनेन्द्रगढ़ के पार्क परिक्षेत्र में घूमता दिखा गौर का झुंड, वन विभाग के कर्मचारी ने अपने कैमरे में किया कैद। जांजगीर चांपा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, 8 क्रशर खदानों पर लगाई रोक, अवैध ब्लास्टिंग से दहशत में थे ग्रामीण। बलरामपुर में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, शिक्षा विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर की थी ठगी, बुजुर्ग से 3,20,000 की ठगी। दुर्ग में 2 अस्पतालों और 1 चिकित्सक को नोटिस जारी किया गया, आयुष्मान कार्ड होने पर भी मरीज से लिए पैसे, डॉक्टर पर मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप। अंबिकापुर में 55 वर्षीय अध्ययन ने ट्रक के नीचे कूद कर दी जान, आत्महत्या का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, सिग्नल खुलते ही ट्रक में पिछले चक्के में कूद कर दी जान। कोरबा में छेड़खानी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, युवती ने बैंक मैनेजर से 3 लोगों पर लगाया था आरोप।
महासमुंद में चोरी के आरोप में ड्राइवर गिरफ्तार, पंचायत सचिव की बाइक की डिग्गी से चुराई रकम। अंबिकापुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नशीले इंजेक्शन के साथ ही दो आरोपी गिरफ्तार। राजनांदगांव में आबकारी निरीक्षक को नोटिस जारी, तुलेश्वरी देवांगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पेंडा में सटोरियों को सिम देने वाली गिरफ्तार, सटोरियों से सांठगांठ के आरोप में छह लोग गिरफ्तार। दुर्ग में मामूली विवाद में हमला करने वाले गिरफ्तार, आरोपी ने शराब की बोतल से किया था हमला। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जुआरियों पर शिकंजा, पांच जुआरियों को किया गिरफ्तार। और इसी बीच एक बड़ी खबर बीजापुर से, जहां पर 33 नक्सलियों ने सरेंडर किया। जनताना सरकार के 33 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। हार्डकोर नक्सलियों को पर प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। बीजापुर एसपी के सामने हथियार डाले। तो 33 नक्सलियों ने बीजापुर में सरेंडर किया है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जनताना सरकार के 33 नक्सलियों का सरेंडर और हार्डकोर नक्सलियों पर प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। बीजापुर एसपी के सामने इन्होंने हथियार डाले हैं। 33 कुल संख्या बताई जा रही नक्सलियों की जिन्होंने सरेंडर किया है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।